यहाँ पे कोई धर्मेंद्र चौहान आए हैं। हाँ जी धर्मेंद्र चौहान, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मैं आपका स्ट्रीम बहुत टाइम से, एक साल से लगभग देख रहा हूँ, और क्या है कि एक साल से देख रहा हूँ पर कभी जुड़ा नहीं था, पर पिछले 2 दिन की बात है। तो क्या है, व्हाट्सएप पे मेरे पे एक मैसेज आया था, तो उसमें हमारे, मैं गुजरात से अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें क्या है कि हमारा जो यहाँ पे कच्छ है ना, तो कच्छ साइड में इनको ये एक सांप का जो अस्थि होता है ना, जो अवशेष, वो मिला है। तो दिव्य भास्कर का एक आया था, तो उन्होंने फिर बताया, बोले कि कच्छ में से, बोले 5 करोड़ साल पुराने महाकाय वासुकी नाग के जो अवशेष मिले हैं, ऐसा प्रचारित कर रहे हैं। कैसे पता चल गया उनको कि 5000 पुराना है, 5000 साल पुराना है? और उसमें भी सर उन्होंने कैसा कर दिया है कि उसका नाम भी कैसा दे दिया है, वासुकी इंडिक्स, उसका नाम भी ऐसा दे दिया है। बताइए, ये तो बड़ा गजब हो गया भाई। और वैसे भी जो रिसर्चर थे ना, रिसर्च करने वाले, तो उन लोगों ने भी ऐसे फर्जीवाड़ा बना दिया है कि ये मिल गया तो उसका ये नाम दे दो, वो नाम दे दो, ऐसा है सर। तो फिर अपने तो क्या है, पूरी बात साइंस बोलिए, पढ़े तो, पूरी बात हाँ बोलिए। तो हम लोग, मैं भी क्या है कि पहले ऐसे बहुत भगवान सब में आस्था रखने वाला था, और मैं भी है ना ऐसी कम्युनिटी से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर थे, तो मेरे फादर वो भी ज्यादा सोशल थे, पर क्या है कि हमारे घर में भी क्या है कि बाबा साहब के फोटो सब, बहुत बड़ा फोटो था, पर क्या है कि हमको कभी हमारे फादर ने बताया नहीं था कि ये कौन है क्या है। हमको नाम मालूम था कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, और ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। तो उसी चक्कर में क्या है कि फिर स्टडी वडी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, 10th क्लास हो गया पूरा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। फिर अभी मेरा एज 36 हो गया है, तो बाद में फिर क्या है कि रियलाइज हुआ कि फादर ने थोड़ा बहुत बताया होता तो क्या है लाइन मिल जाती, पर वो क्या है कि टाइम निकल गया था। एक जो आपने कहा ना ये सांप वाला, वो मैं निकाल रहा हूँ, उसको एक बार चेक कर लेते हैं ना। वो ये द हिंदू का मैं देख रहा हूँ, द हिंदू का आप जो सुना रहे हैं वो सुनूंगा। हाँ, इसको चेक कर लेते हैं। ये द हिंदू पेपर ने इसको वो किया है, ये फॉसिल्स ऑफ मैसिव प्रीहिस्टोरिक स्नेक फाउंड इन लिग्नाइट माइन इन गुजरात, ये है। और इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है, 47 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये तो 4,70,00,000 हो गया ना फिर, 47 मिलियन, चार करोड़ से, तो इंसान के तो पहले से है ना ये। हाँ तो इंसान के पहले से, इंसान को तो अभी होमो सेपियंस तो अभी लगभग आईआईटी 3 लाख साल हुआ है। आईआईटी रुड़की रिसर्चर ने इसको खोज किया है, लेकिन वो तो कहीं इसको नहीं लिखे हैं कि इनके किसी महाभारत का है। इन्होंने लिखा है, रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की हैव रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक दैट एवर एग्जिस्टेड एंड लाइकली लिव 47 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग अ पीरियड कॉल्ड द मिडिल ईशियन। द फॉसिल्स वर फाउंड इन कच्छ गुजरात एंड द रेप्टाइल नेम्ड वासुकी इंडकश। तो ये नेम्ड किए हैं ना, इन्होंने खुद से नाम रखा है ना, कुड हैव बीन एनीवेयर बिटवीन 10 मीटर एंड 15 मीटर्स लॉन्ग। तो ये 50 मीटर का कौन हवा उड़ाया है, रुड़की वाला तो 10 से 15 मीटर के बीच कह रहा है। हाँ तो सर उसमें भी 10 से 15 मीटर का ही दिखाया है, पर क्या है कि जो हमारे जो यहाँ पे दिव्य भास्कर आता है ना, तो उसका एक ऑनलाइन जो होता है ना वो आया था, तो फिर उसमें पूरा लिंक था उसका, तो मैंने लिंक खोला ना, तो उसके बाद तुरंत ही दिव्य भास्कर का जो पेज होता है ना वो ओपन हो गया था। तो उसके ऊपर फिर क्या है कि ये पेज ओपन हुआ, उसके बाद में उसका पूरा डिटेल बताने लगे, और फिर वहां पे शुरू हो गई वो, ये टाइम में वासुकी था, यहाँ मंदराचल पर्वत था, ऐसे ये हुआ था, ऐसे वो हुआ था, यहाँ से विष निकला था, यहाँ से अमृत निकला था, वो पूरा द स्टोरी छाप दिया है। तो ये तो बोल रहा है कि ये कोई मत्स्यवाइड स्नेक फैमिली का है जो विलुप्त हो गया है, और 47 मिलियन यानी 4 करोड़ साल पहले ना, 4,70,00,000 साल पहले। ये तो समझिए कि डायनासोर के काल जो है 16 करोड़ साल, उनके बाद उस दौरान के काल का है। तो ये तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो 5,000 साल पहले स्थापित किए हैं कि हमारा महाभारत था, तो अब क्या इसको ये 4 करोड़, इनका रामायण जो था 17,00,000 साल पहले,
अभी क्या 4 करोड़ में लेके जाएंगे? 4 करोड़ साल पहले वासुकी नाग तो इनका महाभारत में है ना, काल्पनिक महाभारत में, तो अब तो कल से कहीं ये रोने लगेंगे कि इनका वासुकी नाग जो परीक्षित वाला था वो कृष्ण जी उस पर बैठ के नाचा करते थे द्वापर युग में, तो हमारा महाभारत 5000 साल पहले नहीं है, 4 करोड़ 70 लाख साल पहले है, है? कल ही से तो ये क्या है कि ये दिव्य भास्कर जो आता है ना हमारे यहाँ, तो इसका ऑनलाइन जो है ना ऐप, तो उसके अंदर ये पूरा उनका सब छपा हुआ है। तो क्या है कि जो जो भी लोग पढ़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि पहले के टाइम पे 5 करोड़ साल पहले वासुकी नाग था, ये हुआ था वो हुआ था, तो क्या सबका माइंड फिर डाइवर्ट हो जाता है, फिर वो क्या है कि सोचते नहीं कि मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। इनकी हालत वैसे हो गई है ना, जब आपके पास आपका धर्म नहीं रहता है और आप जबरदस्ती ना है झूठा आधार बना के धर्म खड़ा करते हैं, तो आपको बार बार जब भी कोई सबूत मिलेगा ना उसको अपनी कथा कहानी से जोड़ के बार बार आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई हम जो हैं हमारा ही है, हमारा ही है। और कारण क्या है कि इन्होंने झूठा अपना धर्म खड़ा किया हुआ है कथा कहानी का, इसीलिए इनको हर चीज पर झूठी कहानी कहा जाता है ना। एक झूठ को एक सच बोल देने की बजाय कि भाई भारत का इतिहास बुद्धिज्म का था, ब्राह्मणों का कुछ नहीं है, इस सच को छुपाने के लिए लगातार झूठ, बार बार झूठ, झूठ पे झूठ किए जा रहे हैं। सही बात है। तो और उसमें भी क्या है, आपने जो ये पेज दिखाया है ना, तो उसके अंदर खाली उन्होंने सिर्फ नाम ही दिया हुआ है वासुकी इंडेक्स पर। क्या है कि हमारे यहाँ जो ये भास्कर का जो ऐप खुलता है ना, तो उसके अंदर तो पूरा जो वो समुद्र मंथन किया हुआ था ना, उसका पूरा स्टोरी अंदर फिट कर दिया है। तो ये बता देना फिर कि 4 करोड़ 70 लाख साल पहले इंसान का सबूत दिखा दें, सांप का मिल गया, डायनासोर का मिल गया, इंसान का कहे नहीं मिल रहा है भाई, इंसान का भी दिखा दें। डायनासोर का तो डायनासोर का तो मैं रहता हूँ, मेरा गांव है ना, ये द हिंदू का है ना ये रिपोर्ट, ये तो द हिंदू का है। अब बताइए द हिंदू जो है ये मिला है, ये सांप का यही वाला मिला है ना, ये हड्डी मिला है और इस हड्डी की डेटिंग हुई है, और डेटिंग से पता चला है कि जो डायनासोर के जैसे थे उस तरह से इस तरह के सांप 10-15 मीटर के पाए जाते होंगे, यही ना मिला है। ये देखिए ये एक अनुमान लगाया गया है कि इस तरह का सांप होगा। हाँ तो हो सकते हैं सर, पहले के टाइम पे क्या है कि डायनासोर युग के टाइम में हो सकते हैं, या फिर इससे भी बड़े हो सकते हैं, उसका कोई डाउट नहीं है कि नहीं हो सकते है। पर बोलने का मतलब क्या है कि वासुकी नाम दे दिया, यानी ये क्या है कि इनका एक प्रोपेगेंडा होता है कि ये लोग फर्जीवाड़ा चलाते रहते हैं कि हमारे जो भगवान थे वासुकी नाग था, तो ये था इतने साल पहले था, ये लोग क्या है ऐसा चलाते रहते हैं। अब इसको जो नेचर है, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट जो है उसके अनुसार वो तो बोल रहा है कि अभी ये जो रिपोर्ट आई है इसमें अभी सुधार भी हो सकता है, और ये भी कह रहा है कि ये जो सांप है ये विलुप्त तो हो गया था। अब बताइए कि वासुकी अगर 4 करोड़ साल पहले ही अगर विलुप्त हो गया था तो 5000 साल पहले महाभारत में कैसे आ जाएगा, मतलब फर्जी इनका काल्पनिक महाभारत कहानी में कहां से आ जाएगा। इन्होंने क्या किया है, जबरदस्ती पिताजी खोजने की आदत पड़ गई है ना इन लोगों को। और मजे की बात तो सर एक ये है कि ये डायनासोर भी उसी के टाइम के है ना, समथिंग 1-2 करोड़ साल आगे पीछे होगा। तो क्या है कि ये इनका जो भी चलता है रामायण की महाभारत कुछ भी चलता है, तो उसके अंदर क्या घोड़े दौड़ाएंगे, हाथी दौड़ाएंगे, पर कोई डायनासोर नहीं दौड़ाता है, सोचने वाली बात। एक और बात है कि जो गुजरात का जो इलाका है ना, गुजरात तो बुद्धिज्म का गढ़ था, बहुत पुराना इलाका है, वो इतना पुराना इलाका है कि आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में वहां से सारे चीजें मिलती हैं, और वही नहीं उस इलाके में डायनासोर का अंडा भी तो मिला था, जिसको क्या किए थे ब्राह्मण सब, डायनासोर के अंडे को आपको पता है ना नीचे सीमेंट बना के। मेरा गांव है ना वहां से 20 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे पूरा फॉसिल पार्क बना दिया है वहां पे। हाँ तो ऐसा है, तो मतलब आप यही देख लीजिए कि इन लोगों की तो पुरानी आदत है ना, डायनासोर के अंडे तक को शिवलिंग बना के अगाड़ के और उसकी पूजा कर रहे थे सब, तो इनकी पुरानी आदत है। वो इलाके में डायनासोर के अंडे तक मिल गए, उन इलाकों में पुराने सांप मिल रहे हैं, हर चीज पिताजी। अब सांप का तो जिक्र, चलो सांप तो हमेशा मिलता है, डायनासोर का ही बता ही नहीं पाए, नहीं तो भी बता देते डायनासोर का ही बता देते कि देखो भाई डायनासोर भी हमारे उसमें है। हाँ तो वही सर बात है ना कि अब क्या है कि जो ग्रंथ लिखे गए उस टाइम पे क्या है कि ये सब डायनासोर सब होते हैं ना, तो क्या है कि ये लोग फिर
घोड़े हाथी लेके लड़ने नहीं जाते, दो चार टीरेक्स छोड़ देते तो क्या है, पूरी सेना साफ हो जाती, तो जिसको इनका जैसा ये सूझा वैसा लिखते गए। यही एरिया में ये सब लोग देख लीजिए यही एरिया में मिला है, और ये एरिया तो सुतूप लग रहा है, देख रहे हैं इधर हाँ सर, देखने में ऐसा ही लग रहा है। पूरा ऐसे लग रहा है लेयर लेयर वाइज कटा हुआ है सुतूप टाइप का। तो पुराने अवशेष उन क्षेत्रों में मिलते हैं ना, उन क्षेत्रों में तो पुराने फॉसिल्स मिलते हैं, ये जबरदस्ती वहां पे नामकरण कर दिए। देखिए कहता है वासुकी रेफर्स टू मिथिकल स्नेक ऑफन डिपिक्टेड अराउंड द नेक ऑफ द हिंदू गॉड शिवा, बताइए शिवा के गॉड में लपेट दिए। अभी अपनी हाँ कहानी तो जोड़ना शुरू उसको, कर दिए, कहानी हाँ तो वही जोड़ना इनका तो मैं शुरू हो बोल गया। रहा हूँ कि नामकरण कुछ भी निकलेगा। वो जिस प्रजाति का है वो प्रजाति का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने नामकरण उसका वासुकी। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति नाम क्यों दिया था, इसीलिए तो दिया था ना, पशुपति नाम क्यों दिया, क्योंकि जब भी कोई पढ़ेगा तो इनको इनको पता है कि इनका शैविज्म कितना पुराना है। तो शंकराचार्य का जो शिवलिंग है जो 9वीं सदी से जो आया है उसको ये समझते हैं कि इनका सबसे पुराना है, क्योंकि ये विष्णु को मानने वाले लोग हैं, विष्णु के लिए शिव ही पुराना है, क्योंकि वैष्णववाद से पहले शैववाद आया, उससे पुराना ये कुछ जानते नहीं। तो हर चीज को शिव से जोड़ दो, जो पुराना मिले उसको शिव से जोड़ दो, समझ रहे ना, ये इनकी परम हाँ, कहानी है यहाँ पे। ठीक है फिर, ओके बोलिए। और सर एक बात बोलनी थी कि जितने भी हमारे SC ST OBC जो भाई है ना, तो उनको आज स्ट्रीम के माध्यम से इतना बोलना चाहता हूँ कि अपने जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे ना, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि पे बैक टू सोसाइटी। तो जितने भी लोग कैपेबल है, तो मैं भी क्या करता हूँ कि जो मेरा सैलरी होता है ना, तो उसमें से 5% में पे बैक करता हूँ, कि जिस जिस लोगों को कुछ भी नोटबुक्स या पेन कुछ भी चाहिए तो मैं हर मंथली देता रहता हूँ। तो मैं वही बिल्कुल बोलना चाहता बिल्कुल हूँ कि हमारे समाज के जितने भी कैपेबल लोग हैं, तो वो क्या है, अपने सैलरी में से 5% तो कम से कम दे ही सकते हैं, ज्यादा बड़ी रकम नहीं है 5%। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम सबको देना चाहिए। हम लोग मेगा इवेंट्स क्यों कराते हैं, इसीलिए कराते हैं ना कि समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह आपको हमेशा ही, आप जितना भी कमाते हैं, अगर बहुत क्रिटिकल स्थिति है तो कोई बात नहीं है, अन्यथा जितना भी आप कमाते हैं तो आप उसका 5% 10% जितना भी आपसे बन सके, 5% हाँ नहीं है तो 2% 3% जितना भी आपको हाँ बन दे सके सकते हैं। वो जरूर समाज के लिए आप दीजिए, समाज को दीजिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आ देखिए ब्राह्मणवादियों के पास बहुत पैसा है, इतना अथाह पैसा है ना कि वो दूध के दूध खरीद के अब पत्थर पर गिरा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन अपना सही बात समाज है। जो है बहुत ही गरीबी से गरीबी स्थिति में जूझ रहा है। ऐसे में आपका 3-4% 5% अगर समाज के लिए आप दे रहे हैं तो वो काम आ जाता है, किसी न किसी के आ ही जाएगा। तो ऐसे ही करके आगे बढ़ना है, बहुत खूबसूरत आपकी सलाह है, शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी।